छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को निशुल्क बैटरी चलित नैपसैक स्प्रेयर दिए जा रहे हैं। जैसे आप धान में जो दवाई की छिड़काव करते हैं, इस तरह का ये जो मशीन है, ये मशीन आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की योजना के तहत, और आपको इसके लिए किसी प्रकार का कोई फीस देने नहीं होंगी। इसके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। ये जो मशीन है, ये 2500, 3000, 4000 तक के रुपए में आता है। तो आप इसे छत्तीसगढ़ शासन के योजना के तहत कैसे लाभ ले सकते हैं, निःशुल्क आप बैटरी चलित नैपसैक स्प्रेयर कैसे ले सकते हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें बताएंगे। इसके अलावा आपको आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताएंगे, और आपको कहाँ जमा करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट में किनके हस्ताक्षर लगेंगे, आवश्यक दस्तावेज क्या है, पूरी डिटेल विस्तार से जानेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसानों को इसका लाभ मिल सके और वो अपनी खेती अच्छे से कर सकें। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। यहाँ आप आवश्यक दस्तावेज का लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक आवेदन पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके तहत आपको ये जो सिंचाई पंप है ये आपको मिलेंगे। और आपको बता दें, जो आपके गांव में जो ग्राम सेवक रहते हैं उनके माध्यम से आपको यह सिंचाई पंप उपलब्ध होगा। आपको पूरी डिटेल इसमें पता चल जाएगी यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, आपको आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी लगेगा, एक प्रति आपको। इसके अलावा जो ज़मीन की पर्ची होती है उसका भी आपको फोटोकॉपी लगेगा, एक प्रति। इसके अलावा आपको जो B1 होता है और P2 होता है रकबे का, वो लगेगा एक एक प्रति। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा। ये सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं, 5 आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं। इसके बाद आप आवेदन करेंगे, तब आपको इस तरह का सिंचाई पंप सरकार द्वारा जो योजना लाई गई है उसके तहत आपको मिल जाएगा। इस योजना का नाम यहाँ आप देख सकते हैं किसके तहत है, तो जिला खनिज न्यास मद। इसके तहत आपको कृषि उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस कृषि उपकरण में ये हो सकते हैं, चाहे वो सीड ट्रेडिंग ड्रम हो, या अंबिका पेडी वीडर हो, या हैंड ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर हो, जैसे हाथ से चलाने वाला जो स्प्रेयर रहता है धान में दवाई छिंचने का, या बैटरी चलित नैपसैक स्प्रेयर प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। इस आवेदन पत्र को यहाँ हम विस्तार से जानेंगे। आप यहाँ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना यहाँ लाई गई है। यह अभी नई नहीं है, लेकिन पुरानी योजना है, लेकिन किसानों को इसके बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता है, और जो सरपंच या पंच के करीबी रहते हैं वही इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी यदि ग्राम या नगरीय निकाय में रहते हैं तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, और आपके लिए भी यह संसाधन उपलब्ध हो सकता है। अर्थात ये जो दवाई छिंचने का मशीन रहता है धान में किसानों के लिए, ये आप भी ले सकते हैं। यहाँ आप दस्तावेज को देख सकते हैं, विस्तार से जानते हैं। ये जो दस्तावेज है, ये कुल 7 पेज का दस्तावेज है। इसके अलावा आपको ये 4 डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसके अलावा आपको फोटो भी देना होगा, एक पासपोर्ट साइज का। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नाम दिया हुआ है जिला खनिज न्यास मद के तहत कृषि उपकरण सीड ट्रीटिंग ड्रम अंबिका पेडी वीडर हैंड ऑपरेटेड नेप स्पेयर बैटरी चलित नैपसैक स्प्रेयर प्राप्त करने हेतु आवेदन। ये जो आपको फॉर्म जमा करना है, ये आपको उप संचालक कृषि हर जिला में रहता है, जैसे जांजगीर चांपा जिला का है, इसी तरह कोरबा में होता है, सरगुजा में होता है, रायपुर में, बिलासपुर में, बीजापुर में, बस्तर में, नारायणपुर में, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, सभी जिला में उप संचालक कृषि होता है, तो आपको वहीं जमा करना होगा। लेकिन आपको ग्राम सेवक के माध्यम से यहाँ जमा कराने होंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका फोटो लगेगा, यहाँ आवेदक का नाम, पिता का नाम, जाति, लिंग, ग्राम का नाम, विकास खंड, जिला, आवेदक का जो व्यवहार पत्र व्यवहार है वो। यहाँ आपको एक आईडी देना होगा। यहाँ देख सकते हैं, आधार कार्ड भी हो सकता है या वोटर आईडी भी हो सकता है। यदि आप आधार कार्ड आजकल ज़्यादातर चलन में है, इसलिए आप आधार कार्ड का ही यहाँ
नाम दें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो जानकारी आपको इसमें दी जाएगी वो सभी जानकारियाँ इसमें दी जाएगी कि आप इस आवेदन पत्र में क्या क्या भरेंगे। उसके बाद यहाँ कहा गया है किसान क्रेडिट कार्ड का विवरण। यदि आप किसान हैं, आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, चाहे वो कोई भी बैंक का हो, तो आपको यहाँ जानकारी देने होंगे। यहाँ बैंक का नाम, यहाँ कार्ड का क्रमांक और यहाँ साक्ष्य सीमा, अर्थात उसमें ऋण लेने की कितनी अधिकतम सीमा है, वो आपको यहाँ डालने होंगे। इसके बाद यहाँ कृषक के बैंक खाते का विवरण। यहाँ आपको बैंक खाते का विवरण देना है कि जो सरकारी बैंक में आप धान बेचते हैं वो हो सकता है, या आपका कोई भी बैंक में हो खाता, आप उसका विवरण यहाँ दे सकते हैं। और यहाँ आपको IFSC कोड भी देना है, इसको ध्यान में रखें। यहाँ आपका जो कृषि है, आपकी जो ज़मीन है, उसके बारे में आपको यहाँ बताना होगा। यहाँ क्रमांक देना है 1, 2, 3। आप और जो प्रिंट आप फार्म जो ये मिलेगा वो 1, 2, 3 नंबर आपके डाल सकते हैं, कितना भी। जैसे यहाँ ऋण पुस्तिका क्रमांक, खसरा नंबर क्या है, रकबा कितना है। और यहाँ आपको यहाँ बताया गया है इंजन स्पेयर के लिए कितना रकबा है वो यहाँ। इसके अलावा जोत के अनुसार कृषकों की श्रेणी क्या है, आप मध्यम है, लघु है, मध्यम लघु है, दीर्घ किसान है, कौन से किसान के तहत आते हैं, वो आप यहाँ देखेंगे। आप जो भी दस्तावेज इसमें देंगे, जो B1 नकल रहेगा या नक्शा खसरा रहेगा या P2 रहेगा, वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। जब आप आवेदन करेंगे तो आप तुरंत ही निकलवा कर ये आवेदन करेंगे। इसके बाद यहाँ और आप कौन से मत से और यहाँ कौन सा उपकरण लेना चाहते हैं वो आपको देना होगा, किसके तहत आपको मिलेगा और किस उपकरण। जैसे आपको बैटरी चलित स्पेयर लेना है तो आपको यहाँ बैटरी चलित स्पेयर लिखना होगा। यहाँ बताया गया है कि मेरे द्वारा आयोजित प्रायोजन के लिए पूर्व में DM की योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्ति, यदि एक बार आपने इस योजना का लाभ ले लिया है तो आपको दूसरी बार लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया है इसमें। और गलत भी आपका इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही सही जानकारी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ आपका नाम और यहाँ आपके गाँव का नाम। यहाँ आवेदक के लिए आवश्यक दस्तावेज एक बार दोबारा बताया गया है। हमने तो ऊपर में एक बार आपको आवश्यक दस्तावेज के बारे में जरूर बताया था, लेकिन यहाँ एक बार फिर से बताया गया। जैसे यहाँ बताया गया है B1 खसरा 5 साल की नकल व नक्शा। इसके बाद कृषक स्वघोषणा पत्र आपको इस फॉर्म के प्रारूप में मिल जाएगा। आधार कार्ड, इसके अलावा पहचान पत्र, आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता परिचय पत्र जिसे वोटर आईडी कहते हैं, बैंक पासबुक या अन्य सरकारी दस्तावेज जिसमें फोटोग्राफ उपलब्ध हो, ये सारे दस्तावेज आप जमा कराएंगे। यहाँ देख सकते हैं संलग्न किए गए दस्तावेज के सामने आपको सही का निशान लगाना है, राइट राइट लगा देना है। इसके बाद देख सकते हैं ये ग्राम पंचायत के प्रपत्र 2 लिखा हुआ है और ये ग्राम पंचायत द्वारा मतलब अनुशंसा की जा रही है कि आपको ये पंप दिया जाना चाहिए जो बैटरी से चलित होता है या हाथ से चलित होता है, स्पेयर पंप वो आपको दिया जाना चाहिए। ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा ये अनुशंसा किए जाएंगे, इसी तरह इसी के लिए ये फॉर्म दिया गया है। और यहाँ आप देखेंगे तो सरपंच या पंच का यहाँ हस्ताक्षर रहेगा, सरपंच का ज़्यादा उपयोगी रहेगा। इसके अलावा यहाँ प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, जैसे कृषकों के मांग के अनुसार खाली स्थान, अर्थात कौन सा यंत्र आपको मिलेगा वो यहाँ भराएगा। जिस यंत्र को आप लेना चाहते हैं, यंत्र प्रदान करने की अनुशंसा प्रदान करता हूँ एवं अनुदान राशि स्वीकृत करने हेतु प्रस्तावित करता हूँ। यहाँ ग्रामीण स्तर, जैसे यहाँ जिस जिले से हैं उस जिले का नाम रहेगा, कौन से क्षेत्र में ग्रामीण स्तर अधिकारी बैठता है और यहाँ कौन से विकासखंड में बैठता है, इन दोनों का यहाँ प्रमाण पत्र रहेगा। इसके बाद यहाँ प्रपत्र 3 में नोटरी होगा, आपको नोटरी करवाने होंगे तहसील में जाकर। मतलब सरकार फ्री में दे रही है, लेकिन आपको पूरी जो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया दी गई है उसको करने होंगी। यहाँ बताया गया है इसको आप नोटिस कराना होगा, यहाँ आपका हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ आपका हस्ताक्षर रहेगा और यहाँ 2 गवाह भी रहेंगे और नोटिस द्वारा पूरा इसमें सत्यापन किए जाएंगे। इसको ये प्रारूप हो गया, ये 5वां पेज है। इसके वाला एक और है संतुष्टि प्रमाण पत्र, यहाँ हस्ताक्षर है, यहाँ बताया गया है ये सारी जानकारी दी गई है। और यहाँ अतः संबंधित प्रदाय संस्था जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, यहाँ कोक्सा दिया हुआ है। जब आपका जिला रहेगा तो आपके जिले का नाम इसमें दिया रहेगा। यहाँ कहाँ है ये जो संस्था है ये बताया गया है, क्योंकि कोष सामग्री की राशि का भुगतान करने की कृपा करें। या तो आपको सामग्री दी जा सकती है, लेकिन सामग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
और पैसा भी दी जा सकती है राशि का भुगतान। और यहाँ देख सकते हैं कृषि सभी का यहाँ हस्ताक्षर एक एक करके होते जाएंगे। जो ग्राम सेवक रहेगा वो सारे काम को करा सकते हैं, हालांकि वो ग्राम सेवक आपसे कुछ पैसे भी ले सकते हैं, लेकिन लीगली रूप से वो आपसे पैसे नहीं ले सकते। लेकिन आजकल तो भ्रष्टाचार चल ही रहा है, कोई भी जो काम कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी वो निःशुल्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए कुछ शुल्क आपसे लिए जा सकते हैं। यहाँ कृषक का नाम रहेगा, पूर्ण पता रहेगा और यहाँ आपका हस्ताक्षर रहेगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति के सचिव या समिति के सदस्य फिर से अनुशंसा करेंगे, क्योंकि आपका गांव जो है कोई ना कोई जनपद पंचायत के तहत आता होगा, तो वो भी अनुशंसा यहाँ करेंगे और यहाँ पर वो हस्ताक्षर करेंगे। इसलिए आप संपर्क करना चाहेंगे तो सीधे सरपंच से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सरपंच का भी साइन लगेगा, वो भी इसके बारे में आपको बता सकता है, या जनपद पंचायत सदस्य भी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको इसमें बता सकता है। इसके अलावा आप ग्राम सेवक से भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी इसके बारे में आपको बता सकता है। इसके अलावा ग्रामीण शिक्षा अधिकारी सॉरी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, वो भी इसके बारे में आपको बता सकते हैं और आपको लाभ दिला सकते हैं। यहाँ जनपद पंचायत द्वारा भी अनुशंसा की जाएगी, आपको ये उपकरण जो भी उपकरण आप ले रहे हैं स्पेयर पंप वो आपको दिए जाने चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं उप संचालक कृषि यहाँ दिया हुआ है, हमने जो 7 पेज का ये जो फॉर्म है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हमने दे दी है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। अब चाहेंगे कि आप इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस PDF को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जब भी नई योजनाएं लाई जाती है तो हम उसके बारे में वीडियो बनाते ही रहते हैं, आपको नई नई अपडेट देते रहते हैं। यदि आप आगामी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहेंगे तो नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा देंगे। नोटिफिकेशन बेल का बटन बिल्कुल निःशुल्क होता है, उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पैसा देना नहीं होता है, बस आप नोटिफिकेशन के बेल के बटन को दबाएंगे तो आपको लाभ होगा कि आपको जो भी हमारे YouTube चैनल पर नई वीडियो डाली जाएगी उसका लाभ आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को वॉच कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे।